नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी और होम इंस्पेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। प्रोफेशनल प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज, क्या आपने घर या ऑफिस परचेस करने का फाइनलाइज किया है, शिफ्ट होने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का हेल्थ के बारे में जानिए। जैसे आम इंसानों का हेल्थ चेकअप होता है, वैसे ही प्रॉपर्टी का भी हेल्थ चेकअप होता है। इस प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन इन्विजन सॉल्यूशन इन एसोसिएशन विद ओरिजिन डिज़ाइन स्टूडियो से करवाइए और इसके इंक्वायरी के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें डिस्क्रिप्शन में आप उसमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आप अपनी प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन करके निश्चिंत हो जाइए। सावधानी से हर कोने का जांच यहाँ किया जाएगा, डिटेल्ड एक्सपर्ट की राय ली जाएगी और इसमें हर घर का हर कॉर्नर चेक किया जाएगा। प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन करवाने का एक विश्वसनीय तरीका, आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय लीजिए और अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स में आत्मविश्वास और सुरक्षित का अनुभव लीजिए। व्हाट इज़ प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन? प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन क्या है? प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन एक टाइप का एग्जामिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी है। एवरी एरिया, प्रॉपर्टी का जो हर एरिया है, हर कॉर्नर है, उसको एग्जामिन किया जाता है। उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि उसका एग्जैक्ट अभी कंडीशन क्या है, उसका कुछ डिफेक्ट्स है क्या, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, हर उसका प्रॉपर्टी के जो भी हिस्से है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर है कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है। जैसे प्लम्बिंग फिक्सचर्स बराबर है कि नहीं, मेन इलेक्ट्रिकल डीबी वगैरह बराबर है कि नहीं, इसमें जितने भी पेंटिंग का टच जो फिनिश बराबर है कि नहीं, और जितने भी स्विचेस डोर्स विंडोज सब प्रॉपर पोजीशन में है कि नहीं, ये सब चेक किया जाता है। इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और इसका बेनिफिट क्या है। टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन, इसमें तीन टाइप है, होम इंस्पेक्शंस, कमर्शियल बिल्डिंग इंस्पेक्शंस, रेंटल प्रॉपर्टी इंस्पेक्शंस। होम इंस्पेक्शंस, होम इंस्पेक्शन में हम लोग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कवर करते हैं, उसमें स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, सेफ्टी और उसका हर हाउस में जो भी सिस्टम्स है उसका फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, ऐसे अलग अलग सर्विसेज का फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग में मेनली फोकस करते हैं जो लार्जर प्रॉपर्टीज़ है, ऑफिसेस है, रिटेल स्पेसेस है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स है, इनका स्ट्रक्चरल साउंडनेस चेक करते हैं, कोड कंप्लायंस चेक करते हैं और उसको पोटेंशियल इश्यूज जो भी बिजनेस ऑपरेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं उसको भी चेक करते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, इसमें रेंटल प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन में जो भी रेंट लेने से पहले उसका पोजीशन कैसा है, उसका वो सेफ्टी, उसके जो भी फंक्शनिंग सर्विसेस है वो चेक करते हैं। अभी हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन। प्रोसेस ऑफ इंस्पेक्शन में तीन पार्ट है, एक्सटीरियर इंस्पेक्शन, इंटीरियर इंस्पेक्शन और स्पेशलाइज्ड इंस्पेक्शंस। एक्सटीरियर इंस्पेक्शन में एक्सटीरियर जो भी साइड का रूफ है, साइडिंग है, फाउंडेशन है, लैंडस्केपिंग है, एक्सटर्नल पेंटिंग है, ये सब हम एक्सटीरियर इंस्पेक्शन में देखेंगे। इंटीरियर इंस्पेक्शन में हम वॉल का चेकिंग करेंगे, वॉल का, सीलिंग का, फ्लोर्स का, डोर्स का, विंडोज़ का, मेजर सिस्टम्स जैसे प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और सब फिटिंग्स, नल वगैरह वो सब किया है कि नहीं, प्रॉपर उसका विंडो का लॉकिंग वगैरह है कि नहीं, दरवाजे का लॉकिंग वगैरह है कि नहीं, ये सब हम चेक करते हैं। स्पेशलाइज्ड में हम लोग वाटर लीकेज डिटेक्शन, जैसे कहीं डिटेक्शन वाटर लीक का अपने को अंदाज़ा है या फिर कहीं आपको डाउट हुआ तो वहाँ लीकेज है क्या, अगर लीकेज है तो उसका सोर्स कहाँ है, वो कंडीशनल रहता है, ये एक स्पेशलाइज्ड है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसको करते हैं। अभी हम देखेंगे इसमें गैजेट्स यूज फॉर इंस्पेक्शन, क्या क्या टूल्स इसमें यूज़ करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये पहला वाला है, इसमें जैसे थर्मल कैमरा टाइप, इसमें ये जो
इट जनरेट्स इमेजेस यूजिंग इंफ्रारेड रेडिएशन. इंफ्रारेड रेडिएशन से जो भी इमेजेस होते हैं उसको हम देख सकते हैं. ये मेनली वाटर लीकेज डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, इसको थर्मल स्कैनिंग बोलते हैं. ये दूसरा है लेज़र डिस्टेंस. इसमें हम लोग डिस्टेंस चेक कर सकते हैं और फ्लोर कारपेट एरिया वगैरह इसमें डायमेंशन ड्राइंग के हिसाब से करनी, ये हम चेक कर सकते हैं, एरिया चेक कर सकते हैं डिस्टेंस मीटर. तीसरा है इसमें हम ये यूज इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स वायर प्रॉपर किया है कि नहीं, ये हम चेक कर सकते हैं. इसमें इस सीरीज ऑफ लाइट्स रहता है जो स्टेट ऑफ वायरिंग और आउटलेट वेरीफाई करता है, ये प्रॉपर इंस्टॉल करेक्टली इंस्टॉल किया है कि नहीं. मेनली इलेक्ट्रिकल के लिए ये हम यूज़ करते हैं. और ये चौथा है जो कॉमन टूल्स है, जैसे राइट एंगल चेक करना है, प्लम्ब ऑफ चेक करना है, हैमर टेस्ट लेना है, कंपास है, वोल्टेज है, ये सब छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट है, इससे भी हम इंस्पेक्शन में यूज़ कर सकते हैं. इसमें डिटेल्ड इंस्पेक्शन में क्या क्या इंक्लूड रहता है, इसमें टाइलिंग वर्क, उसमें क्रैक्स है क्या, बेंड है क्या, हॉलोनेस है क्या, डिबॉन्डिंग है क्या. दूसरा है इंस्पेक्शन ऑफ वॉल एंड सीलिंग फॉर हॉलोनेस, सरफेस फिनिश और पेंट. तीसरा है एक्सटीरियर और इंटीरियर डोर्स शटर स्मूथ ऑपरेशन, जैसे दरवाज़ा ठीक से ओपन होता है कि नहीं, कहीं दबता है क्या, वो चेक करते हैं. उसके लॉक सिस्टम चेक करते हैं, उसका ओरिएंटेशन, उसका प्रॉपर फंक्शनिंग, और आयरन मॉन्गरी इसमें जो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करते हैं. उसके बाद है वाटर सीपेज इंस्पेक्शंस, जो वॉशरूम में, टॉयलेट्स में, टेरेस में, किचन सिंक में, ये चेक करते हैं. इसके बाद है विंडोज़ की फंक्शनलिटी, विंडोज़ का प्रॉपर अगर स्लाइडिंग है तो स्लाइडिंग हो रहा है कि नहीं, उसका लॉक बराबर है कि नहीं, बेयरिंग बराबर है कि नहीं, वो चेक करते हैं. उसके बाद में प्लम्बिंग फिक्सचर है, उसका टेस्टिंग करते हैं, जो प्रॉपर वाटर फ्लो बराबर है कि नहीं, ड्रेनेज बराबर है कि नहीं, कहीं लीकेज तो नहीं है, वो सब चेक करते हैं. इसके बाद में वेरीफिकेशन ऑफ वायरिंग, सर्किट ब्रेकर्स, ऑपरेशन ऑफ स्विचेस, डीबी, ये पूरा इलेक्ट्रिकल चेकिंग करते हैं. उसके बाद इंस्पेक्शन ऑफ फैब्रिकेशन वर्क, रेलिंग्स, ये प्रॉपर है कि नहीं, ये चेक करते हैं. इसके बाद कन्फर्मेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन एज प्रोमिस्ड बाय डेवलपर, जैसे डेवलपर ने जो स्पेसिफिकेशन बताया वही प्रॉपर यूज़ किया है कि नहीं, वही अगर फ्लैट में लगा है कि नहीं, ये भी चेक करता है. और उसके बाद में कारपेट एरिया वेरिफिकेशन, ये अभी हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखा उससे कारपेट एरिया एज पर ड्राइंग एक्चुअल में है कि नहीं, वो भी हम चेक करते हैं. अभी इसका हम इम्पोर्टेंस देखेंगे. इम्पोर्टेंस में सबसे पहला आइडेंटिफाइंग इश्यूज, इसमें कुछ हिडन प्रॉब्लम वगैरह है, वाटर लीकेज है, डैमेज है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, वो हम पता कर सकते हैं. उसके बाद निगोशिएशन टूल, इसको एज अ निगोशिएशन टूल भी करके यूज़ कर सकते हैं, अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम रहेगा तो प्राइस के एडजस्टमेंट में उसको यूज़ कर सकते हैं. और तीसरा है लीगल कंप्लायंसेस, जैसे कोई इंश्योर प्रॉपर्टीज़ मीट बिल्डिंग कोड्स एंड सेफ्टी रेगुलेशन, अगर कुछ नहीं है, कुछ फॉलो नहीं किया है, तो उसको हम लीगल कंप्लायंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. चौथा है रिपोर्टिंग, इसमें रिपोर्ट्स में क्या इंक्लूड रहता है, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट विथ डिस्क्रिप्शन, फोटोज़ एंड रिकमेंडेशंस, कुछ अगर डिफेक्ट्स रहेगा तो वहाँ के फ़ोटो, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये रिपोर्ट में मेंशन किया रहता है. और डिजिटल रिपोर्ट में जैसे एनोटेटेड इमेजेस, क्लैरिटी, जैसे वाटर लीकेज कुछ है. अभी हम एक सैम्पल ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट देखेंगे, इसमें जैसे देखा है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, लोकेशन, डिफेक्ट ऑब्जर्व, इसमें कितना सीवियर है, रिलेटेड इमेजेस है, और उसमें जो भी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, रिप्लिकेशंस और रिमेडीज़ क्या है, यह हम देखेंगे. अभी जैसे मेन डोर शटर में एंट्रेंस में है ये लैमिनेट डैमेज एट बॉटम, इधर देखिए इधर डैमेज है, ये सीवियरिटी, इसमें मॉडरेट और सीवियर दो किया गया है, मॉडरेट मतलब मीडियम है, सीवियर मतलब ज़्यादा डैमेज है. तो मेन डैमेज शटर इन कॉज इंजरी टू अदर, और इसमें शटर नीड्स टू रिप्लेस. सेकंड है मेन डोर फ्रेम, मेन डोर फ्रेम में ये प्रॉब्लम दिख रहा है, देखिए एंट्रेंस गैप ऑब्जर्व बिटवीन डोर फ्रेम एंड स्कर्टिंग, तो मे रिजल्ट लो साउंडिंग ड्यूरिंग शटर ऑपरेशंस, और गैप नीड्स टू बी फिल्ड विथ प्रॉपर सीमेंट ग्राउट. तीसरा है मेन डोर फ्रेम एंट्रेंस, इसमें देख सकते हैं इनसफिशिएंट डेप्थ फॉर लॉकिंग मेन डोर, इसमें डोर लॉक करने के लिए प्रॉपर डेप्थ नहीं है.
may result in improper locking of door shutter, and also vibrations can be observed during operations. Depth should be appropriate with respect to proper locking. और चौथा है मेन डोर शटर, इसमें भी ये ऊपर का प्रॉब्लम दिख रहा है। देखिए टावर बोल्ट का अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं है इसमें, टावर बोल्ट अलाइनमेंट। और इसमें कैसा है, अगर ये प्रॉब्लम रहेगा तो मे रिजल्ट इन डोर शटर लॉकिंग एंड ऑल्सो ऑपरेशनल इश्यूज, ये लॉक प्रॉपर हो नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑपरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। और ये इसका अलाइनमेंट ऑफ टावर बोल्ट शुड बी वर्टिकल एंड ईजी टू ऑपरेट, ये इसका रेमेडी या फिर सोल्यूशन है। अभी हम देखेंगे इसका बेनिफिट्स। बेनिफिट्स मेनली पीस ऑफ माइंड, बायर्स और टेनेंट्स कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। जैसे वो अगर प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन किया तो आप जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगे और आप घर में निश्चिंत होकर रहने के लिए जा सकते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हेल्प्स ओनर्स प्रायोरिटाइज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। कंक्लूजन, प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज आर इंडिसपेंसेबल एंड एनीवन इन्वॉल्व इन रियल इस्टेट ट्रांजेक्शन और मैनेजिंग प्रॉपर्टीज। ये एक टाइप की सर्विसेस है जो एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करती है प्रॉपर्टी का कंडीशन का, प्रॉपर्टी का हेल्थ का, जो प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट लुक है जो भी है आपको क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करते हैं। आप उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं और उसमें जो भी कंप्लेंस है वो दूर कर सकते हैं। वो आपके सेफ्टी के लिए, घर के हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, अच्छा है। इमेजेस जो भी इंस्पेक्शन में रिपोर्ट्स आते हैं, इंस्पेक्टिंग आते हैं, उसमें प्रॉब्लम आता है प्रैक्टिकली लिए जाते हैं, वो आपको जो भी डिफेक्ट्स है वो उसका कंडीशन दिखाते हैं और उसमें इंफॉर्मेशन दे के आपको वो रिपेयर करने के लिए क्लाइंट्स को या फिर जो भी परचेसर या स्टेक होल्डर है उनको वो क्लियर करके डिफेक्ट्स दूर करने के लिए वो इमेजेस आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको सॉल्यूशन देते हैं। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।